अस्सलाम वालेकुम जी, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आजकल मार्केट में एक नई कहानी ट्रेंडिंग पे जा रही है कि जी एक तोता हाफिज़ कुरान था, मदनी तोता, ठीक है, सईदा मामा का वो तोता था, तो जिसने पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया था, ना कि कुरान हिफ्ज़ किया था बल्कि मदरसे में बच्चों को पढ़ाने भी आता था। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, चलते हैं वीडियो की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ मुफ्ती साहब। हाजिर, एक ऐसा तोता जो हाफिज़ कुरान भी था। वाओ, ये तोता था हजरत सईदा मामा जुगनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा का, जो हजरत सईदना तबले आलम बादशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की गोद ली हुई बेटी थी और जिनका मजार शरीफ तिरची तमिलनाडु इंडिया में मौजूद है। इस तोते की जबान पर हजरत तबले आलम बादशाह ने अपना लौबे दहन लगाया था। इसकी बरकत से ये तोता बात करने लगा। जब रोजाना हजरत सईदा मामा जुगनी कुरान शरीफ की तिलावत करती तो वो तोता इसको सुनकर के याद कर लिया करता था और इसी तरीके से इस तोते ने पूरा कुरान शरीफ याद कर लिया था। हाँ नाजी, एक ऐसा तोता जो मदरसे में बच्चों को कुरान शरीफ भी पढ़ाया करता था। तो कहानी की डिवटी नाजिन, यही तोते की मजार है जो हजरत सईदा मामा जुगनी की मजार से बिल्कुल लगी हुई है। और नाजिन, जब एक अल्लाह के वली की गुलामी से इस परिंदे को इतना बड़ा फैजान मिल सकता है, तो जब हम इंसान अल्लाह वालों की गुलामी करेंगे तो हमें कितना बड़ा इनाम मिलेगा। जा पूछ के। सब कहानी है सर, छोड़ दे, बनने से पहले गौर कर ले कि वो दीन जो इल्मे वही के जरिए आपको दिया गया है वो और है, और जो बाबों ने दिया है। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी, मुफ्ती साहब बता रहे थे कि तोता पहले बोलना सीखा, फिर कुरान सुनता रहा, फिर उसने हिफ्ज़ कर लिया। चले मान लिया हिफ्ज़ कर लिया होगा, ठीक है, आपकी बात बड़ी गलत है, ऊपर से बच्चों को पढ़ाने भी ला दिया। यार क्या उधर कारी और ख़त्म हो गए थे या कोई और मुफ्ती, कोई और हाफिज़, कोई भी नहीं था जो तोते से कुरान पढ़ने लागे थे? वो ये कोई करने वाली बात क्या करें, कोई अकल को हाथ मारे, उनकी जहालत की आप इंतहा चेक करें, ठीक है। तो उसके साथ उसकी कब्र भी बनाई हुई है तोते की, उसका भी मज़ार तोते का मज़ार शरीफ बन गया। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मजीद ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल लबैक माँ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।